ये जी हम लोग आ गए हैं लेने फर्नीचर। हम लोग आए हैं जी बॉक्स में, ना यहाँ पे चीज केक बड़ा अच्छा मिलता है। ये देखे ना, इस तरह हमने फैमिली के शॉपर बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि मैंने दो दिन व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 9-10 मुहर्रम थी, एहतरामन मैंने व्लॉग बनाना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी बात ये है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नए व्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम लोग जा रहे हैं जी अपने स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए। कीमतें मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी के पब्लिसिटी करने तो नहीं जा रहा, मैं तो अपने स्कूल के लिए एक चीज लेने के लिए जा रहा हूँ। वो पब्लिसिटी वाले व्लॉग बहुत ज्यादा हो गया, अब ओरिजिनल व्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं हम लोग। तो दुआ कीजिएगा हमें मुनासिब चीज मिले, अच्छी चीज मिले और मजबूत चीज मिले। मेरी एक मामी है, वो काफी अरसे से बीमार है तो वो कभी आई नहीं है हमारी तरफ आज काफी सालों के बाद। अकरम भाई कितने साल के बाद आई है? तकरीबन 12-13 साल के बाद हमारी मामी हमारे घर आई है मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मामी, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाभी? ये हमारी मामी आज हमारे घर जो है ना तकरीबन 13-14 साल बाद आई है, चल नहीं सकते तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है भाई। अल्लाह इनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, दुआ कीजिएगा इनके लिए। चले जी निकलते हैं अब फर्नीचर मार्केट की तरफ और लेके आते हैं जो हमें चाहिए। ये जी हम लोग आ गए हैं लेने फर्नीचर और ये कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इसमें से देखते हैं कोई अच्छी अच्छी। यार ये देखो इस तरह की, ये भी अच्छी लग रही है ना, इसका ये तरह राड थोड़ा मोटा है ये बेहतर लगेंगे। ये देखो लकड़ी में है ना, चलो इनसे रेट पता करते हैं अभी। ये जी सोफ़ा सेट भी पड़ा हुआ है, ये भी दिल तो कर रहा है लेने का लेकिन फिलहाल जो है ना अभी मार्केट थोड़ी एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर फैसला करेंगे क्या। ये जी एक और शॉप पे आए हैं हम लोग, यहाँ पे पता करते हैं ये टेबल्स का, टेबल भी चाहिए हमें। ये देखो ये साइज़ भी ठीक है ना, ये पसंद आ रहा है यार हमें। देखते हैं इसकी प्राइस क्या है, कितने का ये वाला? इसका फ्रंट दिखा सकते हैं या उसके जैसा है वो जो ऊपर पड़ा हुआ है, एक ही चीज़ है। हाँ ये देखे ना इसमें ड्रॉर वगैरह भी है। यार पहले हम लोग गए थे जोर शादियाल वाली मार्केट, वहाँ पे ज़रा रेट हमें मुनासिब नहीं लगे तो चीज़ें तो पसंद आ रही थी लेकिन महंगी थी। अब हम लोग आए हैं जिना के सामने तो यहाँ पर देखते हैं, इधर वैरायटी भी ज़्यादा है तो उम्मीद है यहाँ पर रेट भी मुनासिब होगा। हम लोग वहाँ से तो आ गए थे फर्नीचर वाली मार्केट से, वहाँ पे यार रेट थोड़े से ज़रा तेज थे। लेना तो है फर्नीचर लेकिन हम चीज़ जितनी घूम फिर के ली जाए ना उसमें आपको फ़ायदा भी है और ये सुन्नत भी है। तो हम लोग इंशाल्लाह घूम फिर के आज फिर जाएंगे, थोड़ा सा मार्केट को विज़िट करेंगे, जहाँ पे हमें मुनासिब चीज़ मिलेगी वो ले लेंगे। और आज हम लोग अभी जा रहे हैं जी खाना तकसीम करने के लिए हॉस्पिटल में। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि हम जी दिखावा कर रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि हम जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं तो आप लोग भी जो है ना इसमें बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें, हमारे साथ मिल के इसको करें ताकि हमारे साथ साथ आपकी भी आफत बन जाए। ये जी फल आया हुआ है, ये हमने पैकेट्स बनाने हैं और इसको तकसीम करना है, आज हम इंशाल्लाह खाना भी तकसीम करेंगे। सालन हमारा पैक हो गया, हमारा फल भी पैक हो गया है ना, इस तरह हमने एक फैमिली के शॉपर बनाए हैं, इतना दें कि कम से कम एक फैमिली पूरी खा सके वहाँ पे। और ये फल भी हमने इतना ही डाला, ऊबर मंगवाते हैं उसमें डिग्गी में रखते हैं फिर इंशाल्लाह निकलते हैं वहाँ जाके तकसीम करके आते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पे तकसीम का तरीकाकार क्या है, तकसीम करने भी देंगे इंतजामिया वाले कि नहीं, बस दुआ करें। हम तो एक अच्छी नीयत लेकर जा रहे हैं आगे, अल्लाह ताला को जो मंजूर। ये जी ऊबर हमारी आ गई है, इसमें हम लोग बस सामान वगैरह लोड कर रहे हैं फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। ये जी खाना हमारा रखा जा रहा है, अब मैं भी ले जाता हूँ 2-3 डब्बे। ये ऐसे हमारा खाना इधर सेट हो रहा है, बैठा जाएगा। ये जी हमारा खाना रखा गया सारा। हम लोगों ने तकसीम तो कर दिया भाई, बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था, लोग तो ऐसे टूट गए एकदम, ज्यादा पता नहीं क्या था। एक तरतीब होती है यार, कोई 2 ले जाता है कोई 4 ले जाता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे दूसरों का आप हक मार लेते हो। चलें जी हम लोग आए हैं जी बॉक्स में। हाँ मैंने सुना है यहाँ पे चीज केक बड़ा अच्छा मिलता है तो मैं तो वो ट्राई करने आया हूँ, बाकी सारा आइसक्रीम खाएंगे। ये जी यहाँ का माहौल है, चक्कर है, सेटिंग अरेंजमेंट इतना खास नहीं है, ये बाहर बना हुआ है, ये थोड़ा सा ही है, ऑर्डर करते हैं यहाँ पे।
और यार मेरे साथ एक प्रैंक हो गया, वो लड़की कहती है जी सॉफ्टस्विल पे मिलती है चीज़ केक, इधर मिलता नहीं है, झूठ बोला है उसने लड़की ने वीडियो में व्यूज़ बढ़ाने के लिए। ये देखें ये सारा इनका मेन्यू है, कोई इनका चीज़ केक नहीं है। ऐसा ऊपर स्टाफ का बिहेवियर भी अजीब सा ही है यहाँ पे। ये हमारी आइसक्रीम आई है, मैंने मंगवाया है संडे, हुरमत ने मंगवाया, ये कौन सी है सिंपल, और ये इनकी है। ऐ चिमकानी है आपने जन्ना जी, कैसी है? वैसा टेस्ट नहीं है बैगन जो बताया था बिल्कुल पानी का, मुझे लग रहा था अच्छा। यहाँ हम आइसक्रीम को संडे का नाम दिया भाई, ये भी तो वही है। तो यार हम लोग वापस आ गए थे खाना वगैरह तकसीम करके, और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। पहले हमने सारा पैक किया, उसके बाद हम लोग जो फिर उधर गए, गाड़ी करवाई, रखा, सारा तकसीम किया, तो काफ़ी लेंथी और थका देने वाला प्रोसेस था। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह ने हमसे ऐसा काम लिया, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह इस तरह के काम हमसे लेता रहे, हमें इस काम के लिए चुनता रहे। यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।